अगर तुम ब्रह्म राक्षस है तो उचट के गिर के बता। ऐसा नहीं सिर के भल गिर के बता। अगर तुम ब्रह्म राक्षस है नहीं तो ऐसा तो हम चिल्ला रहे चिल्ला रहे। अगर तुम ब्रह्म राक्षस है तो उचट के गिर के बता। ऐसा नहीं सिर के भल गिर के बता। अगर तुम ब्रह्म राक्षस नहीं तो ऐसा तो हम चिल्ला रहे ऐसा तो हमने चिल्ला रहा हमें भी भर आए। अगर तुम सही में ब्रह्म राक्षस है नहीं तो नकली मानो जे है सिर के फल गिर के बता। एक ही देर में चुप कर हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक है। आए भैया ब्रह्म राक्षस चक्कर तो नहीं आ रहे सिर में लगने के बाद घुमारी आती है। अगर हमने तुम्हें ब्रह्म राक्षस पाल ले जी ना खवाओ तो हमारा नाम गुरु जी ने। अच्छा तुम ब्रह्म राक्षस हो अब तो कला पकड़ के बताओ दबाओ कला। तुम तुम्हें दम हो अगर तुम असली ब्रह्म राक्षस हो तो कला पकड़ के बताओ। जय श्री राम तो ठीक है गला तो पकड़ो। अपना क्या हुआ नहीं आए का संदेश इसीलिए कहते हैं गुरु से नहीं फंसना चाहिए। साफ हो जाए जन्म को कचरा आ जाए। चलो शुरू करो। ए ओ ब्रह्मराज गिरिए ना काऊ पे शांत बैठ जा मजा आता नहीं तो हम देख अपना। आइए अंगला रामचंद्र भगवान की प्रसाद रे भैया। चलो चाय के चक्कर में ब्रह्म राक्षस तो निपट गए। कहां से प्रभु आइए पहली बार किसी को अपना विषय बताया तुमने मेरठ के पास बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर बालाजी की दादा गुरु जी की। क्या है जी जीवन बहुत दुविधा में है कि क्या करें। व्यापार डाल दें सफल होगा घर के कड़े दूर रहेंगे। मारण विद्या का प्रयोग पिता के ऊपर किया गया था
आपकी सभी परिवार की आंटी के द्वारा करवाया गया था, वर्तमान में कंट्रोल है, भाई की दुकान का बंधन कट जाएगा, भाभी का जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, आशीर्वाद है। मॉमी का सिर पकड़ने की बात नहीं है, हमारे लिए सब बातें खेल है। जीवन भर जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम्हारा वो बात बांका नहीं कर पाएगी, जहां वासी बात है। रोने की जरूरत नहीं, हम बैठे जरूर। ये ज्वेलर्स का काम बाद में है, सिर में किसको पीड़ा होगी, सही है ना, उनका पूजन करो। हमारे पास आप दिया भेजोगे, इनकी दुकान पे भी बंधन है भाई के, आप इनको भेजोगे, इनको भी बर्बाद करना चाहिए, इनसे जच्चा बच्चा जो भाभी जांचे भी नॉर्मल आई है, बालाजी की दया है। और एक कोई भाई का भूमि वाला या हमारे प्रणाम उनकी करो बालाजी, आज से तुम हमारे जीवन भर बच्चे ही रहोगे, पक्का चेला बना, अगली बार आना दीक्षा ले लेना सितंबर में, जा कह दिए ठीक, और आज से ये मत सोचना कि पिताजी नहीं है, हम जिंदा हैं, जा बस बस। लेकिन ये बात उनको मत बताना, नहीं तो कलेश हो जाएगा, वो बहुत खतरनाक लेडी है। लेकिन ये बात तुम घर पे भी नहीं बताओ, अपनी अपने पास तक हमने तुम्हारा बताना बंद कर दिया, ये बात मैं बताना बंद कर तुम्हारे, उसमें कोई टेंशन नहीं बात होगी, क्योंकि तुम्हारा बहुत क्लेश क्लोज घर होगा, हम बैठे जब हमने वचन दे दिया तुम्हारा बाल बाल काट लूंगा, तुम उसके हाथ से भोजन का काम खाया, क्योंकि तुम्हारा घर टूट जाएगा, और उसमें चाचा की कोई गलती नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक रहे ऐसा आशीर्वाद है। अब इसके चक्कर में तुम्हें पैसा बर्बाद नहीं करना कि क्या हो गया, किसने मार डाला, किसने तंत्र किया, ये पूरा राज है ठीक। अंकल ओ अंकल, ये पहले तुम दे दो मोबाइल, बहुत टेंशन में था वो। भैया ओ भैया, वही गांव में जहां पर पुराना बालाजी का स्थान है, बालाजी स्थान के पास नया मंदिर होगा, उसका सपना जो था वो पूर्ण होगा, वहीं खुश रहो, उसके बाद में दाढ़ी वाले जो तौलिया वाले आइए, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की, चमीचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। हाँ जी बैठो, अच्छे कहाँ से ये बहन जी की राखी ले रही हो, नहीं रक्षाबंधन हो गई, हम बांध लेंगे बेटा, हाउ मोरी बहना दियो नहीं तो जा हमारी हत्या ही कर दे, ले लियो ले लियो।
धन्यवाद। पूरा नहीं होता, आय के स्रोत रुक जाते, साधना मार्ग पड़े तो पकड़े तो उन्नति होगी, घाटा लगता है, धन की तंगी हो जाती है, व्यापार में बार बार रुकावट बन रही है, 4 साल से हैरान है, जाओ व्यापार तेज चलेगा, आशीर्वाद है। एक मिनट में बता रहे, तंत्र का भी आरोप लगाते, पत्नी से सामंजस्य रहेगा, सामान्य रहेगा, हम उपाय करें। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी की, बारिश की गति तेज हो गई है।